से गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। बात बता रमन के बच्चे, कार और कारखाना इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अरे भाई तू भी एक नंबर का बावड़ा हो रहा। अरे दोनों में कार ही तो आवे है। बहुत पकाता है यार रमन, तू बहुत पकाता है। अरे भाई यो तो कुछ भी ना, रोज तक मैं मारे ताऊ की छोरी इतना पकावे थी, इतना पकावे थी, इतना पकावे थी कि कितना पका करे थी। हाँ और दूध की है ना रबड़ी बन जा करे। लो बाबा का नाम लिया और आपका बाबा आ गया। बाबा? सास बहू मिलके कहीं मुझे बाबा बनाने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे आपको बाबा नहीं कह रहे, बाबा के पास जाना है। संजू बाबा के पास? अरे बाबा संजू बाबा नहीं, साई बाबा के पास। आपको पाप लगेगा, ऐसे नहीं बोलते। साई बाबा के पास तो संजू बाबा भी जाते हैं। हु? लेकिन जाएंगे कैसे? अपनी कार से। अपनी ये कार से? नहीं नहीं, इस कार से नहीं जा सकते हम। बेटा इधर आ। क्या माँ? इतना तो बिजी हो गया कि भगवान के दर्शन के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। ये बता कि कौन सा तुझे बस से या ट्रेन से जाना है। अरे अब तो हमारी खुद की कार है ना, यूं यूं करते जाएंगे और यूं यूं करते वापस आ जाएंगे। यूं यूं करते जाएंगे और यूं यूं करते वापस आना इतना आसान नहीं है इस गाड़ी से। क्या पता है शिरडी जाने में 24 घंटे लगते हैं। अरे तो क्या हुआ, 24 घंटे लगे या 25 घंटे, हम तो जाएंगे। बस जा जल्दी से तैयार हो गया तू। ए कहाँ खो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, जाना भी है ना, 24 घंटे का रास्ता है, चल। मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, एक मोड़ गड्डी तोड़ आया। रुको, हाँ। बाकी की गड्डी कहाँ है? पीछे। बाकी की गाड़ी तुम्हारी ये रही। मुझे तो पहले ही पता था। अरे जब आप पहले से ही जानती तो इस गाड़ी में शिरडी जाने की क्यों जिद कर रही थी? मुझे क्या पता था कि बहू इतनी खतरनाक कार लाई है जो हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। मम्मी अब क्या करें, गाड़ी तो बोरी बनकर अंदर चली गई, अब इसे चलाएंगे कैसे? ये मारी भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी टंडीरा गाड़ी का हम करेंगे क्या। हाँ अब इस गंडीरे कार के अंदर बैठ के जाओ ना रुकू घूमने के लिए, लोनावला गोवा शिरडी। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा ही होगा। अरे आप पहले ही जानती थी तो क्यों बोला कि इस गाड़ी में शिरडी चलते हैं? वो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने थे। मुझे क्या पता था कि बहू की ये कार मुझे असली साईं बाबा के दर्शन कराने पहुंचा देगी। दादी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, वरना मैं आपके साथ ही साईं बाबा के दर्शन करने चले जाऊंगा। हाय हाय कैसे अशुभ बातें करता है, चल मेरा बच्चा आ जा, तुझे खाना खिलाती हूँ मैं, आ जा आ जा। रुको क्या गड़बड़ करती रहती हो यार, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसी कार खरीदने की? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सिमरन भाई मुझे ऐसी टंडीरा गाड़ी देगी। रुको मैं अभी के अभी जाके तुम्हारी सिमरन भाई को एक टूटी फूटी गाड़ी वापस करके आता हूँ। पता तो ले लो। पता तो है ना मेरे पास। आपके पास? पर आपके पास कैसे है पता? पता मुझे कैसे पता? रुको प्लीज तू ही बता। मुझे क्या पता? रुकू क्या है जी, आप इसे रुकू बोलते हो ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ। तुम मुझे पता देने वाले थे ना? क्या? कुछ नहीं पता दो ना, वापस करनी है गाड़ी। हाँ हाँ सिमी,
जिस रमकुड़ी नाम की औरत को तुमने कार बेची थी ना, वो कार चला रही थी और चलते चलते वो कार उसी के ऊपर गिर पड़ी। इस वक्त वो बेचारी हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, फोन लो, मैं उसे फोन करती हूँ। नहीं नहीं, तू मुझे फोन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो कोमा में है ना। उसके घर वालों का फोन आया था, बड़ी बुरी हालत है उसकी, वो लोग बहुत गरीब है ना। ये सब हमारी वजह से हुआ है सिमी। मैंने जिससे गाड़ी खरीदी उसे वापस बेचनी पड़ेगी और पैसे लेकर उस गरीब औरत की मदद करनी होगी। गुड आइडिया विशाल। मगर एक बात बताओ, क्या वो आदमी गाड़ी वापस लेगा? लेगा, और जरूर लेगा। ये तो मुझ पे छोड़ दो डार्लिंग। क्या करते हो विशाल, तुम भी फोन तोड़ दिया, मेरा था वो। मुझे लगा कि मैं अपने केबिन में आ गया, सॉरी। रुको 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 बॉस, गुड मॉर्निंग तो ले लो, आप ही का केबिन है, बैठिए आइए। थैंक यू। ये लो, ये लीजिए फाइल। हाँ दीजिए ना, दीजिए ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी घनश्याम, घनश्याम जी, एक बात आपसे पूछनी थी। ये आपके पास इतना पैसा है, आप लोगों को लोन देते हो, फिर ये टुच्चा सा ऐसा प्यून की नौकरी क्यों करते हैं आप? टुच्ची बातें करते हैं आप। हाँ। अब एक बात बताइए, अरे हलवाई अपनी जलेबी की दुकान वहां लगाएगा ना जहाँ जलेबी नहीं मिलती हो? हाँ हाँ, वही लगाएगा, सही है, आप सही है। तो आपके ऑफिस से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। हाँ। आपके ऑफिस स्टाफ की हालत तो मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं। पिछले साल की तनख्वाह इस साल में मिलती है, तो यहाँ से ज्यादा लोन लेने वाले मुझे कहाँ मिलेंगे? हाँ सही है, आप सही है, यहाँ से ज्यादा कहाँ मिलेंगे, सही है। अच्छा भाई देव, ये विशाल क्यों नहीं आया अभी तक ऑफिस? हाँ हाँ, अरे विशाल तो नौकरी छोड़ चुका है। क्या? हाँ, नौकरी छोड़ दी? हाँ नौकरी छोड़ चुका है, उसे जैकपॉट लगा है। जैकपॉट? जैकपॉट? जैकपॉट क्यों, कैसा जैकपॉट भाई? हाँ कैसा जैकपॉट? हाँ जैकपॉट, इन्हें उसे एक बहुत ही बढ़िया कार मिली है, जो शाहरुख खान ने पहली बार मुंबई में आए बाद खरीदी थी। क्या? हाँ अब वो कार लाखों की हो चुकी है। अरे पेपर में भी आया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख उल्टा है। शाहरुख खान की पहली कार का मालिक बना करोड़पति, कार खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई, इसलिए कार के मालिक विशाल ने डिसाइड किया है कि वो इस कार को अलग अलग हिस्सों में करके बेचेगा। अच्छा बेटा हैं? इस तरह शाहरुख खान की कार थोड़ी थोड़ी सबको मिलेगी। खुद शाहरुख ने भी अपनी इस कार को लेने के लिए 50 लाख देने को कहा है। मगर कार के मालिक विशाल ने कहा है कि पब्लिक की इच्छा का सम्मान करेगा। सम्मान? और कार को टुकड़ों टुकड़ों में सबको बेचेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या 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 क्या, क्या, क्या नहीं हो सकता? अरे ये कार मैंने अपने एक दोस्त से खरीदी थी, हो सकता है मेरे दोस्त ने भी किसी दोस्त से खरीदी हो। हाँ। और उस दोस्त ने शाहरुख खान से खरीदी हो। अब ये कार मुझे वापस चाहिए। हाँ वो कार आपकी, लेकिन आपकी कैसे हुई? आपने तो 1 लाख में बेच दी थी ना, तो फिर कार आपकी कैसे हुई? अरे तो मैंने विशाल को 1 लाख में बेची है ना, तो अब वो कार मैं 1 लाख रुपए दे के वापस ले लूंगा, वो कार मेरी हो जाएगी। हाँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गयो चैन, मेरे दिल का ले गयो चैन, थारा मस्त मस्त दोने, थारा मस्त मस्त दोने, मारा दिल का ले गयो चैन, मारा दिल का ले गयो चैन, थारा मस्त मस्त दोने। हा? अरे ऐसे कैसे नहीं, अरे तूने दबंग देखी है कि नहीं? 500 रुपए के भला 2 मटके आते, 40-40 रुपए के आते। हाँ लेकिन फिल्म में सलमान खान हीरोइन से जब पूछे तो हीरोइन बोले 500 रुपए। ले ये कोई बात हुई? पर ना जोरदार डायलॉग मारे। हाँ कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लागे, प्यार से डर लागे। हाँ
मेरे को मारा। किसने? शर्मा अंकल के बेटे रोहित ने मारा। मैं तेरे बाल खड़े खड़े देखी नहीं समझ गई थी कि उसी ने मारा होगा तेरे को। नहीं नहीं नहीं, ये विशाल के रूम में से चोरी करा हुआ जेल लगाया हूँ तभी ये बाल ऐसे खड़े हुए। सुपरस्टार तो बन गया और फिट क्या गया? दबंग नहीं देखी तूने? दबंग? हाँ, उसमें सलमान खान क्या डायलॉग मारता है कि मार मार के इतने छेद करूंगा कि टेंशन में आ जाएगा कि सांस कहाँ से ले। और बस समझ गया। पर मम्मी पर वर कुछ नहीं देखा नहीं उस पिक्चर में सलमान खान कैसे उड़ उड़ के धाम धूम धमा धम मारता है, है? तू भी जाके मार उसको, तेरे जो सलमान खान की कसम है, समझा? अच्छा मम्मी, तो ये बात है, अब देखना मम्मी उसको बराबर करके आता हूँ। अब देखना मम्मी इसके बेबे के क्या जाओ। माँ का आशीर्वाद कौन लेगा? तो जोर से क्यों मारा? अब मार तो दिया, अब आशीर्वाद तो दो। आशीर्वाद ही तो था क्या? हाँ। अच्छा सुन, ये ना इसका भी इस्तेमाल करना, घुसा घुसा के मारना उसको। हाँ लाल, जल्दी जाने, ये पकड़ के क्या बैठा है? अरे ला, सुनता है। हेलो विशाल। हाँ, पंछी फंस गया है, वो तुम्हारी गाड़ी खरीदने आ रहा है। हाँ, अब तुम्हारा वादा याद है ना? हाँ, सैलरी नहीं मांगोगे मुझसे? सही है, ये ठीक है। लौटे सीले, लौटे सीले, बोलो हेडलाइट है, बम्पर है, स्टीयरिंग है, सीट है, सीट बेल्ट है, बोलो सब शाहरुख का है, क्या चाहिए बोलो? लौटे सीले। ओए होए होए होए, ओए बाबूजी यार, ओए ऐ सीट तो कमाल दी है यार, ओ तुम यार मेरे से है ना भली 50,000 रुपए ले लो, ओ लेकिन ऐ सीट यार मनु दे दो, यार मनु दे दो। ओ सरदार जी, ये शाहरुख खान की गाड़ी का सीट है, शाहरुख खान की, इससे तो मैं 3.5 लाख रुपए से 1 रुपया कम में नहीं बेचूंगा। ओए होए हो यार, ओए कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया यार। ओए जब ये शाहरुख खान की सीट है ना, तो शाहरुख खान इस पे बैठा भी होगा यार, और जब इस सीट पे बैठ के यार उसने गैस छोड़ी होगी ना। ओए होए 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 गुरु यार, ओए क्या खुशबू आई होगी यार, ओ मैं तो महसूस कर रहा यार उस खुशबू नु यार, ओए गुरु यार मजा आ गया। ओए तेरी सच में ये शाहरुख खान की कार है? ओ चुप कर खोते, और मैं खुशबू से पहचान गया ये शाहरुख खान की कार है, और तुझे देख के भी पता नहीं लग रहा है शाहरुख खान की कार है, दिमाग खराब कर रहा है। तो आप इस कार के अलग अलग पार्ट्स करके क्यों बेच रहे हैं? गुड क्वेश्चन। तो आंसर दो ना। वो क्या है ना कि शाहरुख खान की गाड़ी तो एक ही है लेकिन सबको चाहिए, तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद जैसे सब में बांटते, इसलिए। गुड आंसर। ये टायर्स कितने के? वैसे तो ये टायर्स 70,000 के हैं, है ना, लेकिन सिर्फ आपके लिए 50,000। चलेगा चलेगा, ये टायर्स को मैं ना अपने बेडरूम में लगाऊंगी, और सोचिए मुझे कितनी खुशी होगी कि मैं सबको ये कहूंगी कि ये शाहरुख खान की गाड़ी के टायर है। विशाल बाबू। अरे घनश्याम, तुम कब आए? 5 मिनट हुए हैं बस। हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। लेकिन घनश्याम कह के इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो चलो, और किसी को क्या चाहिए, फटाफट बोलो। मुझे तो ये नंबर प्लेट चाहिए। हाँ, तो नंबर प्लेट के 70,000। चलेगा चलेगा, शाहरुख खान का मोबाइल नंबर ना सही, प्लेट नंबर ही सही। अरे लेकिन एक इसको पीछे हटे चिंपांजी, कहीं का ये कार मेरी है। क्या बात कर रहे हो घनश्याम, ये कार तुमने मुझे बेची है, और एक बार बेची हुई चीज कोई वापस नहीं लेता। विशाल बाबू आप चुप रहिए, अभी से रूल बदल गया, ये कार मेरी है। हम तुम्हें ये कार नहीं देंगे। तुम चुप रहो सिमरन, तुम्हें मेरी कसम। क्या? मेरा मतलब है भाभी जी, आपको मेरी और विशाल की कसम, दोस्ती की कसम, आप चुप रहे, ये कार मेरी है। मगर कुछ नहीं विशाल बाबू, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया था ना, मैं आपको अब 2 लाख रुपया देता हूँ, ये कार मेरी। क्या बात कर रहे हो घनश्याम, इस कार के सीट बेल्ट के मुझे 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और ये सरदार जी तो सीट के मुझे 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, बोलो। तो ठीक है विशाल बाबू, ना आपकी ना मेरी, 3 लाख में डन करते हैं। और 4 लाख यार। 4 लाख मतलब 4 लाख तो ठीक है, मैं भी 4 लाख देता हूँ। और यार 5 लाख और बता किसे वाकरा। 5 तो मैं भी 5 दे दूंगा भाई। ओए भाई 6 लाख और 10।
है तो ठीक है, 6 लाख तो मैं भी 6 दे दूंगा भाई। ओ यार 7 लाख रुपए और बता की सेवा करा मैं तेरी। लाख? हाँ। अरे पाजी तुसी ले लो कार, मैनू नहीं लेनी। अरे नहीं नहीं जब क्या बोल रहे हो यार तुम, इसकी बात का क्यों बुरा मान रहे हो? अरे गाड़ी तो मैं तुम्हें ही दूंगा, आखिर यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, तुम इतने पुराने दोस्त हो, रोज ऑफिस में तुम्हारी शक्ल देखनी है मुझे। इसको छोड़ो यार, तुम निकालो 6 लाख, गाड़ी तुम्हारी भी डन। ओ यार कमाल कर रहे हो यार, ओ मैं तो इधर झक मारने के वास्ते आया हूं, ओ मनु भी तो कार का सामान चाहिए। चुप करो सरदार जी, पंजाब की दोस्त दे रहा, पंजाब मैं भी गया हूँ, पंजाबी मुझे भी आती है, और कुछ लेना है ना तो कल ऑफिस आ जाना, जो कुछ लेना है ले लेना, पैसे कम पड़ जाए तो मैं लोन दे दूंगा। अरे ना ना भाई, मन लोन ना लेना। अब ओ यार मनु लोन नहीं चाहिए, सही कह रही मैं। हाँ तो ठीक है, फिर पैसे लेके आना। फैला रहा था। हट जाओ, अब ये कार हुई मेरी। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी मैंने वो एक ऐड दिया था कि शाहरुख खान वाली कार अब घनश्याम वर्मा के पास है, वो ऐड आ गया क्या? क्या आज के पेपर में आ गया? थैंक यू जी, थैंक यू। चलो ऐड भी आ गया, अब देखना कैसे सब लोग कार खरीदे ऑफिस में ही आ जाएंगे। घनश्याम। क्या बोला? घनश्याम जी, अरे ये क्या है सब कबाड़ आपने यहाँ, क्या है ये कबाड़? है ये कबाड़ नहीं है, ये शाहरुख खान की पहली कार है जो मैंने विशाल से वापस खरीद ली है। अच्छा अच्छा, वापस खरीद ली, तो विशाल से आपने कार वापस खरीद ली? हाँ, आप देखना इस कार के एक एक पुर्जे को खरीदने के लिए लोग ऑफिस में कैसे टूट के पड़ते हैं। हाँ ऑफिस में टूट के पड़ेगे जरूर पड़ेगे। घनश्याम जी आप हैं? इतने बड़े आदमी हम हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। वो न्यूज़पेपर में ऐड आपने दी थी वो? हाँ हाँ हमने दिया था। बोलिए आपको क्या चाहिए? टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए, बोनेट चाहिए, क्या चाहिए बताइए। हाँ, क्या चाहिए? अरे इन सब का क्या, मैं अचार डालूंगा। हाँ अचार डालेंगे क्या? क्या शाहरुख खान की पहली कार मेरे पास है, और उन्होंने सवेरे फोन करके मुझसे कहा कि क्यों रहमान भाई, मैंने कार आपको चलाने की दी और आपने उसे बेच दी। मैंने कहा शाहरुख भाई ये कोई गलतफहमी हो गई है, और वही गलतफहमी दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। बता तुमने पेपर में झूठी खबर क्यों दी थी? नहीं नहीं वो मुझे लगा। हाँ इन्हें लगा। क्या लगा? अरे ये आगे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना, घनश्याम जी बोले ना आगे, क्या लगा आपको? नहीं नहीं भाई साहब, मुझे ये लगा कि शाहरुख खान की पहली कार है और मुझे ऐसा ही बताया गया। अबे काले कौवे, पेपर में झूठी एड देकर अपनी और शाहरुख भाई की दोस्ती खराब करता है। मैं मुंबई से फ्लाइट पकड़ के तुझे सबक सिखाने आया। एक मिनट क्या मार रहे हो बॉस आप? अरे वो जो करेगा मैं रिपीट करूंगा ना। मैं इंटरेस्ट रिपीट करूं? नहीं, आप रिपीट कीजिए। ये शाहरुख भाई की नहीं, किसी फारुक भाई की कार है। फारुक भाई की कार है? मुझे तो बताया विशाल ने कि शाहरुख की कार है। वो इसलिए घनश्याम बेटा कि तू जैसे आदमी को सबक सिखाने का यही तरीका है। हाँ तूने अपने दोस्त की खटारा कार मुझे बेच दी, और मैंने वही कार तुझे वापस बेच दी। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चल अब लगा अपनी दुकान और बेच शाहरुख खान की कार है। बोनट 80,000। हॉर्न 1 लाख। साइड मीटर 2 लाख। गियर 50,000। 2 लाख। कार 1 करोड़। कबाड़ बेच के दे दिया तूने मुझे, तोड़ डालूंगा सारी तोड़ दूंगा। ये तेरी विशाल के बच्चे, फोन पे जाऊंगा तेरा, डबल इंटरेस्ट के साथ लोन दूंगा, और लंबी जुल्फों वाले बॉस तेरे तो मैं